हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल के आर एस पी यानी कि राउरकेला स्टील प्लांट 2022 पोस्ट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग ए सी टी टी दो हज़ार बाईस फीटर और मशीनिस्ट फीटर और मशीनिस्ट के जो प्रीवियस ईयर जो पेपर जो हुआ था उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो ये सेट टू रहने वाला है और इसके पहले मैंने सेट वन दे रखा है अगर आप लोगों ने इस सेट वन को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं प्ले में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सेलेक्शन भी पक्की होगी तो आइए अब स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एक बटे एक हज़ार इंच होता है अब देख लेते हैं ये कौन कौन से एग्जाम है और कब कब पूछा गया प्रश्न है तो ये आर आर बी बेंगलोर ए एल पी दो हज़ार सात में पूछा गया हुआ प्रश्न है और सेल बोकारो स्टील प्लांट दो हज़ार सोलह में भी पूछा गया हुआ प्रश्न है यानी कि ये दो एग्जाम्स में पूछा गया हुआ प्रश्न है अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं जैसे ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीज़न का मान एक बटे एक हज़ार इंच या जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन इंच होता है यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो भी ब्लॉक में होते हैं, उन्हें क्या लिखते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पेयर लिखते हैं और ये जो प्रश्न है ये सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं तो मैच्ड पेयर भी ब्लॉक जोड़े में पाए जाते हैं इनकी शुद्धता तथा साइज समान होता है और इस भी ब्लॉक को नंबरों एवं अक्षरों में व्यक्त किया जाता है इस भी ब्लॉक को कैपिटल एम अक्षर से व्यक्त किया जाता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड फोम टाइप अग्निशामक में कौन से रसायन प्रयोग होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एन ए टू सी ओ थ्री प्लस ए एल एस ओ फोर अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है तो ये सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं तो फोम टाइप अग्निशामक में एन ए टू सी थ्री प्लस ए एल एसओन प्रयोग होते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तूफान का सूचक है अब देख लेते हैं ये कौन कौन से एग्जाम है और कब कब पूछा गया वो प्रश्न है तो ये डी टर्नर 2016 में पूछा गया प्रश्न है और डी आर डी ओ फीटर दो हज़ार सोलह में पूछा गया प्रश्न है सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट 2014 में भी पूछा गया वो प्रश्न है यानी ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये तीन एग्जाम्स में पूछा गया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स जितने भी सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं आप देख भी सकते हैं कि एक क्वेश्चन जो है वो तीन तीन चार चार बार ऐसे पूछा गया हुआ है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर जितने भी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी ये प्रश्न जो है वो रिपीट हो अब आइए फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं जैसे वायु दाब मापने का यंत्र बैरोमीटर कहलाता है बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान का सूचक है ध्यात्व वह है कि वायु दाब मापने की इकाई मीली बार कहलाती है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव धातु की सतह पर पेंट करना उसे जंग से बचाने की कौन सी विधि है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अर्धस्थायी उपचार अब देख लेते हैं कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है तो ये सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पौर्ट है इसी से रिलेटेड उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है धातु की सतह पर पेंट करना उसे जंग से बचाने की अर्ध स्थायी उपचार की विधि है अस्थायी उपचार विधि के अंतर्गत इलेक्ट्रो ब्लेटिंग आता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स वर्णीय प्रोटेक्टर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एंगल्स यानी कि कोण को मापन में किया जाता है अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम और कब पूछा गया प्रश्न है तो इस सेल फीटर 2019 में पूछा गया प्रश्न है अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है तो वर्निंग प्रोटेक्टर के द्वारा कोनों का मापन अधिक परिशुद्धता के साथ किया जाता है अगला इसका पॉइंट है इसका अल्पतमांक यानी कि एक वैसी पाँच मिनट होता है और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका अगला पॉइंट है इसके ब्लेड हाई कार्बन स्टील या एलोय स्टील के बनाए जाते हैं या फिर बने होते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन जब तेल हवा के संपर्क में आने पर उड़ना शुरू हो जाता है उसे कहते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि उसे वाष्पशीलता कहते हैं और ये जो प्रश्न है सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं जैसे वाष्पशीलता के बारे में तो यह तेल का वह गुण है जिसके कारण वास्प वाष्पीकरण की वजह से उसे भार में कमी आ जाती है अतः एक अच्छे लुब्रिकेंट को वाष्पीकरण में कम उड़ना चाहिए नहीं तो खपत जो है वो बढ़ जाएगी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट टेपर सेंग ड्रिल टेपर में बने होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मोर्स टेपर में बने होते हैं और ये जो प्रश्न है सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं जैसे टेपर सैंक ड्रिल में सैंक वाला भाग स्टैंडर्ड टेपर में बनाया जाता है यह प्रायः मोर्स टेपर होता है इसके ऊपर का कुछ भाग दोनों साइडों में प्लेन करके टैग बना दिया जाता है टैंग सॉरी टैंग बना दिया जाता है यह टैंग ड्रिल को घुमाने नहीं देता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन एक सुराख जिसे किसी निश्चित गहराई तक किया जाता है उसे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उसे ब्लाइंड होल कहते हैं और ये जो प्रश्न है सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं जैसे बंद छेद ड्रिलिंग यानी कि ब्लाइंड होल ड्रिलिंग ऑपरेशन के द्वारा ड्रिल की सहायता से किसी जॉब में उसकी मोटाई से कम गहराई के छेद किए जाते हैं इसमें ड्रिल छेद जॉब के आर पर नहीं किया जाता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन पाइपों पर बी एस पी चूड़िए कटी होती है उसका सन्निहित कौन होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि फिफ्टी फाइव डिग्री होता है और ये जो प्रश्न है सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे ही जाते हैं और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते भी हैं तो आइए इन सभी को डिस्कस कर लेते हैं तो पाइपों पर जो बी एस पी चूड़िए कटी होती है उसका सन्निहित कोण जो होता है वो फिफ्टी फाइव डिग्री होता है अगला बी एस पी थ्रेड का जो एंगल होता है वो फिफ्टी फाइव डिग्री होता है बी एस एफ थ्रेड का जो एंगल होता है वो फिफ्टी फाइव डिग्री होता है बी एस डब्ल्यू थ्रेड का जो एंगल होता है वो भी फिफ्टी फाइव डिग्री होता है यानी कि इन तीनों का जो कोण होता है वो फिफ्टी फाइव डिग्री होता है याद भी कर सकते हैं बी एस पी बी एस एफ बी एस डब्ल्यू सभी सिमिलर नेम एक ही जैसे लग रहे हैं तो उससे आप अंदाज़ा लगा अच्छे से याद कर सकते हैं कि फिफ्टी फाइव डिग्री तीनों का होगा अगला है एकवीं थ्रेड का जो एंगल होता है वो ट्वेंटी नाइन डिग्री होता है और ये बहुत ही बार पूछा गया हुआ प्रश्न है एकवीं थ्रेड के बारे में यानी एकवीं थ्रेड के एंगल के बारे में बहुत बार पूछा जाता है अगला स्क्वायर थ्रेड का जो एंगल होता है वो नाइन्टी डिग्री होता है तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन मीट्रिक भी चूड़ियों का कोण निम्न होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सिक्सटी डिग्री होता है अब देख लेते हैं ये कौन कौन से एग्जाम है और कब कब पूछा गया वो प्रश्न है तो ये सेल फीटर 2019 में पूछा गया वो प्रश्न है और डी एम आर सी मेंटेनर फीटर 2014 में भी पूछा गया हुआ प्रश्न है अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी को वो डिस्कस कर लेते हैं जैसे चूड़िया यानी कि थ्रेड्स दिया गया एक तरफ एक तरफ उसका एंगल यानी कि कौन दिया गया है जैसे कि भी चूड़िए का जो एंगल होता है वो सिक्सटी डिग्री का होता है बी एस डब्ल्यू चूड़िए का कितना होता है तो फिफ्टी फाइव डिग्री होता है इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था एक में चूड़ियों कितना होता है तो ट्वेंटी नाइन डिग्री होता है बी ए चूड़ियों कितना होता है तो फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव डिग्री होता है और ये भी बहुत बार पूछा गया हुआ प्रश्न है बी ए चूड़िए के बारे में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व साधारण कार्यों में कौन सा वासर अधिक आता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्लेन वासर और ये जो प्रश्न है सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं जैसे प्लेन वासर प्लेन वासर धातु का एक गोलाकार टुकड़ा होता है जिसे नट के नीचे चिकनी बियरिंग सतह उपस्थित करने के लिए दिया जाता है यह नट के दबाव को अधिक क्षेत्रफल में फैलाता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन बागसाइट अयस्क है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एल्यूमिनियम का अयस्क है अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम है और कब पूछा गया प्रश्न है तो ये सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं जैसे बाक्साइट एलुमिनियम का अयस्क होता है एलुमिनियम श्वेत रंग का होता है इसका प्रयोग तार बनाने में किया जाता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन दो प्लेटों के किनारों को एक दूसरे पर चढ़ाकर बने जोड़ को क्या कहते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि उसे लैप ज्वाइंट या लैप जोर कहते हैं और ये प्रश्न जो है बोकारो स्टील प्लांट 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं जैसे दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर जोड़ने को लैप ज्वाइंट यह लैप जोड़ कहते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन राउंड नोज छेनी का कटिंग कौन कितना होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पैंतीस डिग्री से पैंतालीस डिग्री होता है और ये जो प्रश्न है सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट 2014 में भी पूछा गया वह प्रश्न है अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं जैसे राउंड नोज छेनी का जो कटिंग जो एंगल जो होता है वो पैंतीस डिग्री से पैंतालीस डिग्री होता है तथा फोर्जिंग जो कोन होता है वो थर्टी डिग्री होता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन स्टील काटने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एज कितने कोण पर ग्राइंड होना चाहिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सत्तर डिग्री पर ग्राइंड होना चाहिए और ये जो प्रश्न है सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं जैसे स्टील को काटने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एज सत्तर डिग्री कोन पर होता है डायमंड चीजल के डायमंड चीजल से स्टील काटने के लिए कटिंग एज सिक्सटी डिग्री कोण पर ग्राइंड किया जाता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन कंपाउंड स्लाइड विधि द्वारा टेपर टर्निंग करने से निम्नलिखित त्रुटि आ जाती है या आ सकती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हल्की सरफेस फिनिश और ये जो प्रश्न है सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं जैसे कंपाउंड स्लाइड को कंपाउंड रिस्ट के नाम से भी जाना जाता है इसके द्वारा टेपर टर्निंग त्रुटि हल्की सतह फिनिश आ, आ सकती है कंपाउंड स्लाइड हस्तचलित होता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एटीन ई आई यानी स्मॉल ई और स्मॉल आई यानी कि एक कॉट इनफेरियर का अर्थ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि साफ्ट का निम्नतर विचलन और ये जो प्रश्न है सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है और सीआरपी कांस्टेबल ट्रेडमैन 2016 में भी पूछा गया वो प्रश्न है अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं जैसे भारतीय स्टैंडर्ड यानी बीआईएस के संकेत चिन्ह ईआई यानी कि स्मॉल ई e और स्मॉल आई एक कार्ट इन्फेरियर का अर्थ साफ्ट का निम्नतर विचलन यानी कि लोअर डेविएशन ऑफ साफ्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन साफ्ट बेसिस प्रणाली में कौन से प्रकार के साफ्ट का उच्चतर विचलन जीरो होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि स्मॉल एच और ये जो प्रश्न है सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं जैसे साफ्ट बेसिस सिस्टम में स्मॉल एच प्रकार के साफ्ट का उच्चतर विचलन शून्य होता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सी सामग्री उद्दंत रेती से काटा जा सकता है यानी कि रिस्प कट फाइल से काटा जा सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वुड यानी कि कास्ट और ये जो प्रश्न है सेल फीटर 2019 में पूछा गया वो प्रश्न है अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं जैसे रेस्प कट रेती के फलक पर दाते दूर दूर पंच द्वारा उभार कर बनाए जाते हैं इनका प्रयोग लकड़ी रबड़ या घोड़े के खूर आदि को मुलायम करने के लिए तथा चमड़े की वस्तुओं को रेतने के लिए किया जाता है तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही वीडियो कैसा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग